साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अपने भारत देश पहुंची। हालांकि कुछ दिन तक टीम इंडिया बारबाडोस में ही फंसी हुई थी, क्योंकि वहां चक्रवाती तूफान की वजह से वहां का मौसम बहुत खराब हो चुका था। बाद में गुरुवार को खिलाड़ियों को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा दिल्ली लाया गया। जब खिलाड़ी भारत पहुंचे तो कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में T20 वर्ल्ड कप देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया जो ट्रॉफी भारत अपने साथ लेकर आई है वह असली नहीं नकली है। आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह। भारत में कुल 13 साल के लंबे इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में यह वर्ल्ड कप का इतिहास दोबारा रचा गया। बता दें कि 29 जून को विश्व कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा और टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने जिस ट्रॉफी के साथ फोटो शूट करवाया था वह असली था, लेकिन भारत आने से पहले उन्हें यह रेप्लिका ट्रॉफी दिया गया। जी हाँ, टीम इंडिया जो ट्रॉफी भारत लेकर आई है वो असली नहीं है। दरअसल वर्ल्ड कप में ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। फाइनल मैच के बाद जो टीम चैंपियन बनाती है उसे फोटो शूट के लिए तो असली ट्रॉफी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप की रेप्लिका ट्रॉफी दिया जाता है। बता दें कि रेप्लिका ट्रॉफी भी तकरीबन असली वर्ल्ड कप ट्रॉफी जैसी ही होती है। रेप्लिका ट्रॉफी पर जिस साल टूर्नामेंट होता है उसका लोगो बनाया जाता है और ये उसी टूर्नामेंट के लिए बना होता है। अब सवाल यह उठता है कि टीम इंडिया नकली ट्रॉफी लेकर भारत पहुंची तो असली ट्रॉफी कहाँ है? आपको बता दें कि असली ट्रॉफी सिर्फ फोटो शूट के लिए खिलाड़ियों को दी जाती है और इसके बाद इस असली ट्रॉफी को दुबई के ICC मुख्यालय में रख दिया जाता है।